स्टोर चाइनीज 7-Eleven 1840 जो है ना ट्रेन नंबर 9। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर ब्लॉग, वेलकम टू कोचावाला ब्लॉग। और बैंकॉक में बारिश शदीद हो रही है आज, और आज हमने ट्रेन भी पकड़नी है, चेंग माई भी जाना है, तो आज हमारा ट्रैवल डे है बैंकॉक टू चेंग माई का। और 6:40 पर हमारी ट्रेन है, 1 घंटा पहले स्टेशन पहुंचना है, लेकिन इस वक्त बहुत शदीद बारिश हो रही है। और टाइम है इस वक्त 12:54 यानी 1 बजने वाले हैं। तो अभी हमारे पास कुछ टाइम है, बैठते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, थोड़ा इंतज़ार करते हैं। अगर बारिश रुक जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं रुकती तो ग्रैब मंगाएंगे या बोल्ट मंगाएंगे और फिर स्टेशन जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम ट्रेन स्टेशन पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ पे अभी भी बारिश हो रही है। और ये बहुत ही बड़ा ट्रेन स्टेशन है, इन्होंने ये सेंट्रल ट्रेन रेलवे स्टेशन बनाया है, बहुत ही मैसिव है। और आप बारिश अभी भी चल रही है। अब चलते हैं, देखते हैं कि कहाँ से हमारी ट्रेन जाएगी और क्या हिसाब किताब है। तो लेट्स गो दिस वे, गेट 2 से अंदर चलते हैं। तो गेट 2 बंद था, अभी हम गेट 1 की तरफ जाएंगे। से पहले मैंने अपने आपको पुराने ब्लॉग में दिखाया था बैंकॉक स्टेशन जो और लंपोंग स्टेशन था, तो वो पुराना स्टेशन है और ये नया स्टेशन है, ये काफ़ी डिफरेंट है। अब स्टेशन के अंदर जाके देखते हैं कि क्या होता है। ये सही है, यहाँ पे स्कूटी के ऊपर पेट्रोलिंग हो रही है और सारी चीज़ें हो रही है। मेन इंफॉर्मेशन पे हम जाते हैं, तो ये मैसिव रेलवे स्टेशन है इनका, और यहाँ पे इनके किंग की तस्वीर भी लगी हुई है। तो क्योंकि एक थाईलैंड किंगडम है, जैसे आप लोगों को पहले बताया, आर्या को 7-Eleven की एक वेंडिंग मशीन नज़र आई, तो आर्या कहती है दिस इज़ सो टाइनी 7-Eleven, दैट वाज़ सो फनी। किड़ा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मॉडल देख के। अच्छा, ऊपर हमने जाना होगा और गेट नंबर हमारा 1 ऐसा है कि हमें ऊपर जाना है, गेट नंबर हमारा 1 है और प्लेटफॉर्म जो है ना वो 1 है, सॉरी, और गेट नंबर 4 है। तो लेकिन अभी ट्रेन में कब बहुत टाइम है, 6:40 की टाइम है, 20 मिनट्स पहले वो कह रहे हैं कि आपने आना है प्लेटफॉर्म। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन, गेट 3 है, टिकटिंग बूथ्स हैं जहाँ से आप डायरेक्ट अपनी टिकट्स भी करा सकते हैं ट्रेन स्टेशन की। मैंने तो हॉल लंपोंग के स्टेशन से कराया था, लेकिन इनके टिकटिंग बूथ्स इस तरह के हैं। वहाँ पे पुराना विंटेज स्टाइल है, यहाँ पे लेटेस्ट स्टाइल है। और ये यहाँ पे वेटिंग एरिया है एक सामने के। हमारी स्पेशल एक्सप्रेस टू चेंग माई, ये देखें स्पेशल एक्सप्रेस चेंग माई हमारी है। उससे पहले अलग दूसरी ट्रेन है, पतंग बिसार मलेशिया का है, फिर हटियाई जंक्शन है और अदर ट्रेन। तो ये फूड कोर्ट है, अब यहाँ पे हलाल पता नहीं है या नहीं है, वो सामने एक हलाल लग रहा है। दो ऑप्शन मुझे हलाल के नज़र आए,
फिलहाल वाले ऑप्शन में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। ये इनकी फेवरेट आइसक्रीम है, ये मलेशियन स्टाइल का खाना है यहाँ पे, इसीलिए इन्होंने हलाल रखा है। बेसिकली ये थाई के साथ मलेशियन स्टाइल का खाना है, और दूसरा ये हलाल रेस्टोरेंट है जिसमें बाय मुस्लिम 100% सॉसेजेस वगैरह मीट्स हैं, तो ये भी हलाल। तो अभी कुछ खाने के लिए लेते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या करना है। तो अली के लिए सॉसेज लिए और आर्या के लिए भी हमने सॉसेज लिए, और ये भी सॉसेज है लेकिन ये पकौड़ों के स्टाइल के हैं। इसमें हमने ये चिकन मीट बॉल्स भी लिए। यहाँ पे भी क्रीम रोल मिलता है, तो मैंने एक क्रीम रोल लिया, इसको टेस्ट करते हैं कैसे। और ये आर्या ने अपने लिए पॉपकॉर्न लिया है। ओके Few minutes later. प्लेट आया हूँ, अब ये देखें यार ये क्या है। यहाँ पे कोई पार्टीशन है ही नहीं कि प्राइवेसी के लिए, और इन पे नंबर्स तो लिखे हैं चलो ठीक है 16, 17, लेकिन अगर आप यू आर डूइंग योर बिजनेस तो यहाँ पे भी शीशा लगा है और यहाँ पे भी शीशा है। सो इफ यू आर डूइंग योर बिजनेस, इफ़ यू आर डूइंग योर बिजनेस तो ये क्या होगा मुझे बताने। ये देखिए ये बंदा गुजरा, ही कैन वॉच यू, वहाँ से कोई गुजरेगा वो भी आपको देख सकेगा, अगर आपको नहीं देखेगा शीशे में देखेगा तो भी आपको देख सकेगा। तो यार ये तो प्राइवेसी का कोई सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे। 3:22 है, तो ये हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 1 है जिससे हम जाएंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन नॉर्दर्न। ये मेरे ख्याल से भी नहीं अलाउ है, ये ऊपर है डिपार्चर्स, जो रेलवे ट्रैक्स वगैरह है मेरे ख्याल से वो ऊपर है, यहाँ पे नहीं है। अगर आपको ऊपर आवाज़ सुनाई दे रही है तो ऊपर इंजन खड़ा है, तो उसकी वजह से इतनी अच्छी खासी वाइब्रेशन आ रही है, यानी कि मेरे सर के ऊपर इस वक्त है इंजन है। और ये बच्चों के लिए कलरिंग बुक्स ले लिए क्योंकि 12 घंटे का वो है सफ़र, तो ये कलरिंग बुक्स और क्या कहते हैं ये केयर बेयर्स की कलरिंग बुक और कलर्स लिए उनके लिए ताकि रास्ते में शांति शांति हो। और ले जी पेंसिल ले लिया, कलर पेंसिल ले लिए, बुक ले लिया, लेकिन अब शॉर्पनर भी चाहिए, डिमांड आई है कि शॉर्पनर भी लो। तो शॉर्पनर इसलिए चाहिए कि ज़ाहिर बात उसकी निप टूट जाएगी, तो यू नीड टू शॉर्प इट अगेन एंड अगेन फॉर रीयूजिंग, अदरवाइज इट विल बी अ ग्रेट केओस। सो बैक टू द शॉप, से लिया था मैंने टर्मिनल शॉप से, तो अभी शॉप में वापस जा रहे हैं, इनसे शॉपनर मांगते हैं। लेट्स सी, तो शॉपनर तो नहीं मिला, ये कटर ले लिया हमने, इसी से गुजारा करते हैं, और साथ में ये बीटर वाले चॉकलेट्स बच्चों के मिले तो मैंने कहा ये भी उठा लेते हैं। तो अभी 5:01 और अभी भी 6:40 पर हमारी ट्रेन जाएगी, तो आप सोच रहे हैं कि दोबारा फूड कोर्ट जाएँ और कुछ और ठूसें, तो अब आइसक्रीम खाने का इरादा है, तो इस तरफ चलते हैं और देखते हैं अगर आइसक्रीम वगैरह में मिल जाए कोई कोकोनट आइसक्रीम या कोई और। ये इन्होंने केबिन बनाया बिल्कुल ट्रेन के डब्बे की स्टाइल का, ये भी ट्रेन स्टाइल का है रेड कलर में। ये एमिस है, इसमें कोई स्टाइल नहीं है, अलग इसको भी मेरे ख्याल से ट्रेन स्टाइल में होना चाहिए था। डंकिन डोनट्स, ये लगेज स्टोरेज के लिए, जब कल मैंने आपको चतुचक मार्केट में भी दिखाया था, आप अपना बैग स्टोर करें और आगे जाएं, और इसका मीटर भी इसके साथ लगाया हुआ है इंटरेस्टिंगली। तो हम थाईलैंड का मशहूर ऑर्थोडॉक्स क्लासिक कोकोनट आइसक्रीम खाने आए हैं, इन्होंने ये कोकोनट आइसक्रीम पहले से बना के रखा हुआ है। ओके, हाउ मेनी टॉपिंग्स? 3 टॉपिंग्स, अरे यू कैन हैव 3 टॉपिंग्स, which one what are again pineapple this yes one this yes and this and marshmallow and yes. also pineapple yes she put already and this hello marshmallow and this
अली ने अपने उसमें जेरी डलवा लिया। अली अली चालाक है। अनाली यू आर स्मार्ट। अली चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी चॉकलेट ओनली चॉकलेट। स्टेशन पे स्पेशली स्पेसिफिक सीट्स हैं जो मंक्स के लिए रिजर्व है ना, नॉविस सीट्स। ये देखिए एक दो तीन चार रोज है, तो ये उन्होंने बड़ा प्रेस्टीजियसली उनके लिए अपनी सीट्स रिजर्व की है, और जो मंक्स ट्रैवल करते हैं तो उनके लिए उन्होंने रिजर्व किया। तो 6 बजने वाले तो अभी तराना यहाँ पे इनका हुआ अनाउंसमेंट के साथ, तो जितने भी लोग बैठे थे सब खड़े हो गए और तराने के एहतराम में। तो ये हमारे ट्रेन की लाइन लगी हुई है लंबी सी, लोग खड़े हो गए पहले से, हमें आखिर में जाना पड़ेगा। तो अभी हम ट्रेन की तरफ जा रहे हैं। ये व्लॉग बहुत लंबी हो गई है, ट्रेन का व्लॉग और चेंग माई पहुँचने का व्लॉग अगले वीडियो में होगा, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस नालायक को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और खल्लास।